सोचिए क्या होगा अगर आपको अपने घर से निकाल दिया जाए, आपकी सारी जो भी पसंदीदा चीजें हैं उन्हें तोड़ दिया जाए, उसमें कुछ ऐसी भी चीजें हों जिन्हें आपने निस्वार्थ भाव से बनाया था और इससे केवल आपका ही नहीं बल्कि हर किसी का फायदा होने वाला था। आपने कोई ऐसी चीज खड़ी की थी जिससे आप फ्री में नए बच्चों को कुछ ऐसा देने वाले थे जो कि उन्हें फ्री में कहीं भी नहीं मिल सकता था, और ऐसी सारी चीज़ों को तोड़ दिया जाए और फिर आपको अपनी जान बचाकर अपना घर भी छोड़ना पड़े, अपना घर छोड़कर भागना पड़े, आपके घर को भी तहस नहस कर दिया जाए, तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। ये सब आम आदमियों के साथ मणिपुर में पिछले 2 महीने से लगातार हो रहा है। लेकिन अगर आप एक इंटरनेशनल लेवल के फुटबॉलर हैं और उसके बावजूद आपको भी इस पीड़ा से गुजरना पड़ा हो तो आप सोच सकते हैं कि ये मसला कितना बड़ा है। इंडियन फुटबॉल टीम के लिए 11 मुकाबले खेल चुके डिफेंडर सिंगल सेना सिंह ने जब अपनी आपबीती बताई तो इसे जानकर आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे। मणिपुर में रहने वाले सना सिंह के घर को तोड़ दिया गया जब मणिपुर में ये सारी चीजें शुरू हुई, यानी कि इस हिंसा की शुरुआत हुई, तो वो हैदराबाद एफसी के लिए खेल रहे थे। एफसी कप का मुकाबला उनकी टीम ने गंवाया था और इसके बाद जब वो ड्रेसिंग रूम में जाकर अपने मोबाइल को उन्होंने ऑन किया तो उन्होंने ढेर सारे मैसेज और कॉल देखे। जब उन्होंने अपने घर पर बातचीत की तो उन्हें पता चला कि वहाँ हिंसा हो रही है और लोगों को मारा पीटा जा रहा है, गोलियां चल रही हैं, लोगों की जाने जा रही हैं। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए और फिर वो अपने घर चले गए। सना सिंह को इंटर कॉन्टिनेंटल कप से पहले इंडियन टीम के ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा भी बनना था, लेकिन उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में अपने परिवार के साथ रहने के लिए नेशनल कैंप को भी छोड़ दिया और इसके लिए उन्होंने हेड कोच इगोर इस्टिमाश और AIFF के जनरल सेक्रेटरी साध्वी प्रभाकरन से अनुमति भी ले ली। स्पोर्ट स्टार के साथ इंटरव्यू में सना ने जो चीज़ें बताई हैं उसे सुनकर आपका भी दिल पसीज जाएगा। सना ने बताया कि जब उनका घर तोड़ा जा रहा था, जब उनके घर के आसपास हिंसा हो रही थी, तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो अपना घर छोड़े भी तो जाए कहाँ। उन्होंने सोचा कि कहीं किसी ऐसी जगह को किराए पर ले लिया जाए जो सुरक्षित हो और फिलहाल उनके परिवार को रख सके। हालांकि इस दौरान उनके साथी खिलाड़ी और उनके स्टेट के ही रंजन सलाम सिंह उनके काफ़ी मदद में आए। रंजन ने उन्हें अपना एक घर दिया जो उन्होंने हाल ही में बनवाया था, लेकिन वहाँ कोई रहता नहीं है, तो सना का परिवार रंजन के दिए हुए घर में पिछले 2 महीने से रह रहा है। सना के परिवार में किसी को चोट नहीं लगी, हर कोई बिना किसी चोट चपेट के अपने घर से सुरक्षित बाहर तो निकल गया, लेकिन इस दौरान उनका पैतृक घर, उनके द्वारा बनवाया हुआ घर और उनकी बहनों के घर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। अब सना को वापस नया घर बनवाना होगा। हालांकि अभी भी उनके मन में इस बात की चिंता है कि क्या वे वापस अपने उस गांव में जा सकेंगे जहां वो पैदा हुए और जहां बड़े हुए और जहां रहते हुए उन्होंने अपने करियर में इतनी ज़्यादा सफलता हासिल की। इस दौरान सना को जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा दुखी किया है वो है उनके द्वारा बनवाए गए फुटबॉल टर्फ को तोड़ा जाना। सना ने अपने पैसों से एक ऐसा फुटबॉल टर्फ बनाया था, इसे आप एक फुटबॉल स्कूल भी कह सकते हैं, जो वो फ्री में बच्चों को देने वाले थे। वहाँ पर उनका प्लान ये था कि उनके उस फुटबॉल टर्फ पर बच्चे आएंगे और फ्री में खेलेंगे, उन्हें खेलने के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही वो अपने टर्फ के लिए एक हेड कोच भी नियुक्त करने वाले थे जिससे बच्चों को प्रोफेशनली इस गेम में आगे बढ़ने का मौका मिले। हालांकि उनके इस फुटबॉल टर्फ को भी तोड़ दिया गया है। फुटबॉल टर्फ का टूटना केवल सना के दिल का टूटना नहीं है, बल्कि उनके क्षेत्र के, उनके आसपास के तमाम बच्चों के फ्यूचर ड्रीम्स का भी टूटना है, क्योंकि वहाँ पर फुटबॉल के स्कूल तो बहुत हैं लेकिन हर जगह आपको एक तय फीस देनी होती है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास टैलेंट है, जो खेलना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। ऐसे में सना का ये फुटबॉल टर्फ उन गरीब बच्चों के लिए काफ़ी मदद कर सकता था।
उन्हें फ्री में एक ऐसी जगह मिल सकती थी जहां पर वे अपने स्कूल को दिखाते और अपने स्कूल को बेहतर बनाते, और हो सकता है कि उसमें से कुछ बच्चे आगे चलकर प्रोफेशनल फुटबॉलर बनते, जिससे उनका और उनके आसपास रहने वालों का जीवन पूरी तरह बदल सकता था। लेकिन मणिपुर की इस हिंसा ने काफ़ी कुछ तहस नहस कर दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इंडियन फुटबॉल से जुड़ी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।